एक तो फिल्मों और ड्रामों ने हमारा दिमाग ख़राब किया हुआ है। एक ही तरह की शक्ल, एक ही तरह की अपीयरेंस को मोहब्बत के काबिल समझते हैं, जबकि मोहब्बत का कुछ लेना देना है ही नहीं शक्ल से। वो तो किसी से भी हो सकती है, क्योंकि फिल्में झूठी होती हैं और मोहब्बत सच्ची होती है। मदीहा, आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मली जा रही थी, राइट? तो फिर चेंज कब से आना शुरू हुआ और कैसे आना शुरू हुआ? चेंज सर, लाइक 7 से 8 साल की उम्र में जो है वो बॉडी में कुछ लाइक वीकनेस फील होना शुरू हुई थी, और काफ़ी वेट भी ज़्यादा था, और यू नो काफ़ी हेल्दी चलती तो फैमिली अज्यूम करती कि शायद वेट ज़्यादा होने की वजह से जो है वो मूवमेंट्स को प्रॉब्लम आ रही हैं। लेकिन फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि चलते चलते लाइक एकदम गिर जाना, या खड़ी ही हूँ तो एकदम खुद ही से गिर गई। फिर ये होता था कि रीज़न ढूंढा जाता था कि शायद कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ था या कि कोई चीज़ ऐसे आ गई जिसके ऐसे गिर गया। लेकिन फिर बाद में नोटिस हुआ कि चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही है विदाउट एनी रीज़न। चीज़ें सब बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही थी, लाइक वॉक में काफ़ी डिफ़िकल्टी होना शुरू हो गई अचानक से, मतलब ये सारी चीज़ें अगर नीचे बैठ गई तो फिर उठना मुश्किल हो रहा है, इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई थी। आप उस वक्त आपकी क्या एज थी जब आपको जब आप डॉक्टर्स के पास पहली दफ़ा गए? 9 ईयर्स। और फिर डॉक्टर्स ने आपको एग्जैक्टली डायग्नोज किया या क्या बोला? जी, एग्जैक्टली उन्होंने डायग्नोज किया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डॉक्टर्स ने तो उस वक्त जो एक पूरा सिनेरियो बना के दिया वो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें उन्होंने एग्जैजरेट करके बता दी कि नहीं बस अब इसके बाद से जो है वो सिर्फ 6 मंथ्स हैं। लाइक तो मेरे पेरेंट्स बहुत इस वक्त शॉक स्टेट में चले गए थे कि ये क्या हो गया है जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, और मैं उस तरह की बची थी जो सबको तंग करने वाली होती है, तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग एक चीज़ थी। और फिर उन्होंने क्या बोला कि आप किस तरह से अपनी कंडीशन का ख्याल रखें? वेल लाइक कि आप इनके स्कूल, उन्होंने सुना कि मतलब मेरा घर नाजमबाद में था और स्कूल हबीब गर्ल्स जो है सदर में है, तो उसका कि बस लाइक कि नहीं इनका स्कूल छुड़वा दें, अगर आपने पढ़ाना भी है तो घर के कोई बिल्कुल ही किसी करीब के स्कूल में डाल दें, और इसके लिए तो बिल्कुल स्ट्रेस इसको नहीं देना है। उसका कमी बस लाइक कि अगर हमने इसको स्कूल से निकाल लिया और डॉक्टर्स ने कहा है कि 6 महीने तक ये सर्वाइव कर सकती है, और अगर उसने लंबा सर्वाइव कर लिया तो फिर ये स्कूल के बगैर कैसी होगी। तो उसका कमी ने उनसे कहा कि नहीं, अगर इसको मरना ही है तो ये स्कूल जाते रहते मर जाए, नो इशू। उस वक्त शी टुक क्वाइट अ बोल्ड डिसीजन, और फिर उसके बाद स्कूल मेरा कंटिन्यू रहा। उस वक्त काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रेस चल रही थी घर में, लेकिन मुझे कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, कि मैं बड़ी आराम से सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही थी। सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन जो मैं सोचती हूँ कि उस वक्त मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी और मैं जो भी चेंज आ रहा था मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रही थी। और आपने मुझे भी ये बताया कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो है आपको अच्छा फील नहीं कराते थे, जबकि आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट थी। क्लास 4th से लेकर मैट्रिक तक जो कि स्कूल का टाइम रहा वो एक ऐसा टाइम था कि उसके बाद मैंने शायद कभी दोबारा स्कूल विजिट भी नहीं करा, कि हर क्लास में 1 से 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होती थी, और उतनी लड़कियों के क्या इश्यूज़ होते थे, और मैं जो इतनी कोई कॉन्फिडेंट थी तो वो उन लोगों के एटीट्यूड की ऐसे बिल्कुल ही अपने अंदर अपने शेल के अंदर ही बंद हो गई थी आखिर में। मतलब मेरी सब कोशिश यही थी किसी तरीके से भी आपने कर लेना है। अच्छा, तो आपने अपना MBA तक आप पहुंच चुकी थी माशाल्लाह। MBA में पहुंच के आपके साथ क्या हुआ, कैसा था सबका रवैया? MBA में तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। ये एज ऐसी होती है कि आप काफ़ी हद तक मेच्योर हो चुके होते हैं तो आपको पता होता है, तो वो लोग अगर कहीं साथ जाते थे या अगर कहीं कोई भी आउटिंग का प्लान बनता था तो उसमें ही मैं साथ होती थी। स्कूल में कोई कॉलेज में कोई फंक्शन वगैरह है तो उसमें ही मैं हर तरीके से पार्टिसिपेट करती थी। MBA में भी आपकी पहली मुलाकात हुई थी उमर से, आपके हस्बैंड से? उमर से एक्चुअली मेरी BCom के दौरान मुलाकात हुई थी। और उमर से ऐसी थी कि मैं क्लास में होते थे, मैं क्लास के CR थे जी, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स भी नहीं थे, और लेकिन ये तो कि काफ़ी मेरी हेल्प करते थे, अगर मुझे चलते में जो है वो एकदम बैठने की ज़रूरत पड़ती थी तो फ़ौरन ही मेरे लिए पीछे से कहीं से चेयर आ जाती थी खुद बहुत जादू से, और अगर मैं क्लास से निकल रही होती थी तो मैं नोट करती थी कि एक बंदा जो है वो दरवाज़ा पकड़ के जो है ना खड़ा हुआ होता था, तो उस वक्त कि मैं आराम से निकल जाऊँ क्योंकि वो डोर फ़ौरन ही बंद होने वाला होता था। तो मैं कहती यार बड़ा अच्छा बंदा है, जैसा मासूम सा बंदा है, तो वो जहन में सारी कभी कोई चीज़ नहीं आई। हाँ, और वो आप कह रही है ना आपकी तो दोस्ती भी नहीं थी उनसे, वो तो क्लास के CR थे। तो उमर ने सबसे पहले आपको अप्रोच कब किया? जब मैं वहाँ से जा चुकी थी। अच्छा।
जब मैं फिर घर में थी उन दिनों, फिर इस तरह कॉलिंग के मैसेज आया, हाय आई एम उमर. मैंने कहा हूँ उमर, योर क्लास सी यार. फिर मुझे याद आ गया कि अच्छा ये तो उमर है. फिर उसके बाद से हमारी दोस्ती होना शुरू हुई थी. और क्या बातें हो रही थी फ़ोन पे? बहुत जनरल, बहुत अच्छे फ्रेंडशिप हमारी बन गई थी, लेकिन बहुत अच्छे फ्रेंड्स. नथिंग मोर लाइक, हाँ बस अभी रोमांटिक नहीं, कोई रिलेशनशिप थी, फ्रेंडशिप थी. जी बिल्कुल. उन्होंने कुछ आपको बताया नहीं कि वो आपको पसंद करते थे या? 2012 में मेरी बहन की शादी हो रही थी. ठीक है. और उस वक्त लाइक फेसबुक पर मैं बड़ी एक्साइटेड थी, हर चीज़ घर की शेयर हो रही थी. तो फिर उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था, वर्ड्स ये थे कि मैं अपनी माँ को लेके आना चाहता हूँ, और अगर माँ ने एक्सेप्ट किया तो फिर हम सोच सकते हैं. ठीक है. जैसा कि वो लाइक कि मुझे बोला ही क्यों, जब अभी तक नहीं बोला तो अभी क्यों बोला. और जहन में ये था कि माँ ने नहीं मानना, उन्होंने देख के मना ही कर देना. क्योंकि उस वक्त तक मैं वॉक करती थी, लेकिन वॉक बहुत ज़्यादा ख़राब थी. तो मुझे हुआ था कि उम्र के लिए माँ मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगी. तो खैर, जब वो लोग शादी में आए तो उससे मेरी मुलाकात हुई. उम्र की बहन भी थी, उम्र की अम्मी भी थी, और अम्मी को हम लोग माँ कहते हैं. ठीक है. तो माँ के साथ बड़ा अच्छा रहा. और फिर शायद माँ उम्र को देख रही थी, उम्र बहुत नर्वस थे. तो जब माँ ने जब आके मुझसे मिली, और फिर उन्होंने उनसे पूछा, मैं वहाँ से हट गई थी जब, कि कहीं वो लड़की तो नहीं से तुम शादी करना चाहते हो? नहीं. वो लाइक कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? बिल्कुल ही पलट गए. लेकिन वो सब मान का कि रिलैक्स हो जाओ, अगर करनी है तो अगर तुम मैनेज कर सकते हो तो हमें कोई इश्यू नहीं है. फिर इनकी बहन भी साथ थी, तो इन्होंने उनसे भी पूछा कि आप क्या कहती हो? तो उन्होंने कहा कि अगर हम हमारी किसी और से शादी करते हैं, और अगर बाद में उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उसके साथ कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो क्या तुम उसको घर से निकाल दोगे या उसके साथ तुम मैनेज करोगे? तो अगर इस तरह का कुछ है, हमें कोई इश्यू नहीं है, लाइफ तुम्हारी है, तुमने लाइफ गुजारनी है. तुम लोग अगर एक साथ मैनेज करके लाइफ गुजार सकते हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और सेम यही राय इनके घर में सबकी थी. तो उन्होंने आपको बिल्कुल लविंगली एक्सेप्ट किया? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से. उसके बाद किस तरह से आगे बात बढ़ी? आपने अपने अम्मी अबू को बताया, आपकी अपनी फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? उस वक्त लाइक मिक्स फीलिंग्स थी. समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा ऐसे भी, मतलब ऐसा भी होता है कि फ़ौरन से उन्होंने देख के कुछ कहा नहीं और उन्होंने फ़ौरन से कर लिया. अच्छा, लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स को दिया तो मेरे पेरेंट्स कुछ कंफ्यूज थे. उनका था कि लड़के तो इमोशनल होते हैं, वो अभी बहुत यंग है, उसका इमोशनल डिसीजन हो सकता है, तो वह इस बारे में मत सोचो, अपनी पढ़ाई को तवज्जो दो. ये वो तो अम्मी बाबा का इस तरह का रिस्पॉन्स था. वो लोग डर रहे थे? हाँ, उनका ये था कि कहीं आगे कोई ऐसा ना हो कि मैं जिस तरह चलती हुई आ रही हूँ मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊँ और मैं स्ट्रेस में ना चली जाऊँ अगर कुछ गलत होता है तो. फिर इस तरह हुआ कि उन्होंने हमें अपने घर पे लंच पे इनवाइट किया. और उस वक्त इस तरह तक जब मैं गाड़ी से उतरी तो माँ ने अम्मी से कहा कि आप हट जाएं, मैं इसको अंदर खुद ही लेकर आ जाऊँगी. उन्होंने मेरा हाथ होल्ड करके फिर मुझे अंदर लेके गई. तो उस वक्त कहीं जाके अम्मी बाबा रिलैक्स हुए थे, उम्र के अम्मी बाबा दोनों से मिलकर. उस वक्त फिर अम्मी बाबा को समझ में आ गया था कि नहीं, उम्र कैसे हम नहीं कर रहे हैं, उम्र के पेरेंट्स कैसे हम कर रहे हैं. इस तरह का हो गया था, इतना ट्रस्ट उनके अंदर फौरन डेवलप हो गया था आपके इन लॉज के लिए. बिल्कुल. लेकिन उस तकरीबन साल भर हमारा इसी तरह था. अम्मी बाबा और माँ बाबा के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी, कोई फॉर्मल कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि वो हम दोनों को शायद टाइम देना चाह रहे थे. तकरीबन साल डेढ़ साल के बाद जाके फिर उन्होंने माँ ने रिश्ता डाला, तो विद इन 10 days फिर हमारा निकाह हो गया था. अच्छा अच्छा. फिर निकाह के बाद आप लोग का रुखसती का पूरा? रुखसती हमारी तकरीबन 1.5 साल के बाद हुई थी. लेकिन निकाह के बाद फिर मैं, मेरे अम्मी बाबा, मेरा भाई और फिर उमर के साथ हम लोग फिर उमरे पे भी गए थे. अच्छा. तो वहाँ पे भी बाबा को देख के उनको बहुत सेटिस्फेक्शन हुई थी, जिस तरह उन्होंने ट्रैवलिंग दौरान उन्होंने जिस तरह से मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया था, तो वो सारी चीज़ें देख के अम्मी बाबा के दिल से बिल्कुल ही सारे डर दूर हो गए थे कि ये लोग दोनों आपस में मैनेज कर लेंगे. जिस जमाने में आप और उमर की बातचीत चल रही थी फ़ोन पे एज फ्रेंड्स, तो उमर ने तो ऑलरेडी आपके साथ फीलिंग्स डेवलप हो गई थी उनकी आपके लिए, आपकी तरफ से भी आप भी थोड़ा उनको पसंद करने लगी थी? बहुत अच्छे बहुत लगते थे, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है. और आपको आइडिया हो गया था कि वो पसंद कर रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उमर ने बिल्कुल भी नहीं आइडिया, कभी नहीं आइडिया उन्हें दिया. लेकिन उमर वॉज लाइक कि मैं अपने आपको खुद टाइम दे रहा था कि मैं ये डिसीजन जो ले रहा हूँ तो ये कहीं आपके लिए आ गया कि परेशानी ना बनूँ. मुझे और भी बहुत अच्छी बात लगी जब भी आप मुझे बता रही हैं
कि उमर ने अपने आप को टाइम दिया कि कभी वो आपको परेशान ना करें फ्यूचर में. इवन देन ही वाज थिंकिंग अबाउट हाउ टू फैसिलिटेट यू, राइट? तो आप उनके लिए ऑलरेडी एक प्रायोरिटी बन चुकी थी. उमर के पेरेंट्स का भी यही था. उमर कहते हैं कि जब रिश्ता वगैरह सब फाइनल हो रहा था तो सब उन्होंने उमर को अपने रूम में बुला के कहा था कि एक दफा फिर सोच लो, ये ना हो कि अगर तुम बाद में उसको परेशान करोगे तो वो इसी घर में रहेगी. अच्छा, तुम अपना ठिकाना सोचना.